कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय की नई एडवाइजरी, कोरोना के शुरुआती लक्षण होने पर होम क्वारंटीन की सलाह। कर्नाटक में लॉकडाउन, शराब बिक्री बंद होने से 1800 करोड़ का नुकसान, एक्साइज मिनिस्टर एच नागेश ने कहा खाली हुआ खजाना। रैपिड टेस्ट किट में मुनाफाखोरी पर मनीष तिवारी का ट्वीट, कहा आईसीएमआर के कहने पर कंपनी को मिला था जांच किट के एक्सपोर्ट का ठेका। कोटा की तर्ज पर घर भेजे जा रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फंसे छात्र, योगी सरकार का फैसला। दिल्ली में पीएस की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सेल्फ आइसोलेशन में डीएम, 17 कर्मचारियों के सैंपल लिए गए। लॉकडाउन 2 में दिल्ली सरकार ने जारी की छूट की पहली किश्त, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर और आरओ मैकेनिक को काम की छूट। गर्मी के मद्देनजर दिल्ली में बिजली के खंभे और बुक स्टोर खोलने की परमिशन, ताजा हालात का जायजा लेने के बाद फैसला। दिल्ली में 2 दिन से कोरोना से कोई मौत नहीं, मरीजों का आंकड़ा हुआ 3000 से ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, कॉन्टैक्ट में आए लोगों की तलाश जारी, 2 रजिस्ट्रार भी होम क्वारंटीन। कोरोना को लेकर WHO की चेतावनी, अभी खत्म नहीं हो रही कोरोना महामारी, डायरेक्टर जनरल बोले स्वास्थ्य सेवा चरमराने से बच्चों पर पड़ेगा असर। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 29,000 के पार, 934 मरीजों की मौत, 6,869 मरीज स्वस्थ। कोरोना से 24 घंटे होने वाली मौत की संख्या बढ़ी, 62 मरीजों की गई जान, 1,543 नए मरीज। 85 जिलों में 14 दिन से नहीं आया कोरोना का कोई नया केस, 16 दिन में 28 दिन से कोई कोरोना मरीज नहीं। महाराष्ट्र में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 8,590 मरीजों की संख्या। गुजरात में 3,547 मरीज, कल से अब तक 247 नए मरीज। अहमदाबाद में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 2000 पार, 109 मौत के साथ कुल 2,378 बीमार। मुंबई के बाद पुणे में भी रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना, अब तक कुल मामले 1,217। ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने वाले जमातियों से मिले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, नरेला में बने प्लाज्मा डोनर सेंटर में की मुलाकात। धारावी में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 13 नए मामलों के साथ कुल बीमारों की संख्या 288। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2300 के पार, 24 घंटे में 66 नए मरीज, जयपुर में 17, कोटा में 19 नए मामले। मध्य प्रदेश में भी 2000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 110 लोगों की हो चुकी है मौत। पिछले 24 घंटे में नोएडा में सामने आए 13 नए मामले, 6 नए हॉटस्पॉट के साथ 46 इलाके सील। गाजियाबाद में कोरोना का एक और मामला, 58 तक पहुंची मरीजों की संख्या। यूपी के देवरिया में बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी की नफरत भरी नसीहत, कहा मुसलमानों से न खरीदें सब्जी। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की, कहा कोरोना संकट के बीच बीजेपी विधायक समाज में घोल रहे हैं जहर। कोरोना वॉरियर बनी आजमगढ़ की छाया अग्रवाल, संकट में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों और भूखे जानवरों के खाने का रखती है ख्याल। सोशल डिस्टेंसिंग पर भारी पड़ा स्वाद, पाकुड़ के भवानीपुर गांव में मछली पकड़ने जुटी भीड़। लुधियाना में संवेदना ट्रस्ट का कोरोना संकट में सराहनीय कार, एम्बुलेंस सेवा देने के साथ गरीबों को कराया भोजन। गोपालगंज में क्वारंटीन सेंटर में मरीजों को जानवरों की तरह दूर से फेंककर खाना देने का आरोप। शिवपुर में मास्क लगाकर परिणय सूत्र में बंधे दूल्हा दुल्हन, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरी हुई शादी की रस्में। दारुल उलूम देवबंद में कोरोना से जंग वाला फतवा, कहा रमजान में कोरोना के लिए सैंपल देने से नहीं टूटेगा रोजेदारों का रोजा। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए, राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या 546 पहुंची। उज्जैन से आगर रोड पर लोगों को बीमार बनाकर एम्बुलेंस से छोड़ने वाला ड्राइवर हिरासत में, 3500 रुपए लेकर शहर पार कराने का आरोप। बारा में कुम्हारों की अनोखी मुहिम, कोरोना पर जागरूकता के लिए मटकियों पर लिखा संदेश। ओडिशा के भवानी पटना में वन विभाग ने उजाड़े 33 आदिवासियों के आशियाने, लॉकडाउन के दौरान परिवार खुले में रहने को मजबूर।